हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानक चैनल गवर्नमेंट जॉब क्रैकर एकेडमी को। आज क्लास टी पावर सिस्टम उपर अच्छी। आमर पूर्व क्लास रे पावर सिस्टम रे आमे पढ़ी थे टर्बाइन उपर किछि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ी थे। मु खाली इम्पोर्टेंट माने ही कहूँ जोटा कि वेरियस एग्जाम को खाली ओपीटीसीएल नुह, जो माने नोट करूथे से बहुत हेल्प वेरियस एग्जाम पई बुझे। आज आम पढ़ा से जो पावर सिस्टम रे आमर जो जेनरेटिंग स्टेशन कतु सबस्टेसन पर्यंत आमर मेजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आम कौन कौन आम यूज करती अल्प किसी किसी डिस्कसन करवा। नेक्स्ट आम तापर डिटेल्स आगे पढ़ा बुझे टॉपिक भितर को गले। मुझे सब कौन कै गोटे क्लास स्टार्ट करवा आगु आगे इंट्रोडक्शन भलसे स्टार्ट करे, जोटा कि हेल्प हे पाला बहुत किसी इलेक्ट्रोनिक्स भी सेमती करी जहाँ भी क्लास करी आगे बेसिक बेसिक जिनस जानला परे नेक्स्ट आगे धीरे धीरे बढ़ी। सो आज स्टार्ट करवा आम जानवा मेजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन पावर प्लांट आम कौन कौन अच्छी। फास्ट आसवर कौन अल्टरनेटर आस अल्टरनेटर एक्साइटर एक्साइटर काम कौन आम कथा एक्साइटर एक्साइटर आम एप यूज करती आमर जो अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन फील्ड वाइंडिंग को आमर प्रोवाइड कौन करे फील्ड करेन्ट आमर प्रोवाइड करे रोटर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग न रोटर वाइंडिंग को आमर एक्साइटर करेन्ट प्रोवाइड करे फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग। सो तापर आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर करेंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सीटी पीटी क्लास क्लियर जदि टिके मु भावुची आज क्लास टी क्लियर टिके ते देखा जाऊ नथबो। सो टिके क्वालिटी बढ़े कि देखो मु लास्ट को पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी बुझेला। देन आम रिले ऊपर पर जानिबा आउ लाइटनिंग अरेस्टर आर्थिकमेंट आम आपरे सब जानिबा। तो फास्ट आम एक्साइटर कौन जानवा एक्साइटर जो एक्साइटेशन मेथड अच्छी आमर सिंक्रोनस मशीन रोटर वाइंडिंग को आम प्रोवाइड कर कौन आमर फील्ड करेन्ट प्रोवाइड जो करमर तार केते प्रकार अच्छे आम तापर जानवा। सिंक्रोनस मशीन आम दी प्रकार जाए गोटे हूँ अल्टरनेटर आ गोटे हूँ सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर आ गोटे हूँ सिंक्रोनस मोटर आपको लिखीदेव एटा मशीन पड़ला बेल डिटेल्स कथा हाँ विषय आपको सिंक्रोनस कौन पर कौन आम तापर भी जानवा। सो एक्साइटर कौन कौच एक्साइटर रोच गोटे मुझे कहली कौन कर डायरेक्ट स्टेटमेंट कहीदे एक्साइटेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी फील्ड फील्ड करेन्ट टू द रोटर वाइंडिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। आमर सिंक्रोनस मशीन जब अल्टरनेटर केस को देखा आमर स्टार्टिंग प्रपोज पे हम एक्साइटर दौरान जोटा कि आमर रोटर रोटर को आम दौरान एक्साइटर आम यूज कर प्रोवाइड कौन कर फील्ड करेन्ट प्रोवाइड कर फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग। आमर क्वेश्चन आसव आम एक्साइटर आमर कोटी यूज करमर क्या कौन पर प्रोवाइड कर फील्ड करेन्ट आम दौर क्या रोटर वाइंडिंग आम प्रोवाइड कर देन अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन क्या क्या डिपेंड करे गोटे हूँ लोड करेन्ट आउ लोड पावर फैक्टर आ स्पीड ऑफ द मशीन यापर आमर यूज करे एक्साइटर। सपोज मु गोटे एग्जांपल दौर एटा आमर रहा अल्टरनेटर शाफ्ट पूरा आर्मेचरटा रहा एटा आर्मेचर रहा ए आर्मेचर आगे शाफ्ट पर आम एक्साइटर लगे तो। एक्साइटर इज नथिंग एक्साइटर इज आम डीसी एक्साइटेशन कथा देखा डीसी एक्साइटेशन आम कौन लगे आम सेपरेटली एक्साइटेड जेनेटर आम जो यूज करते डीसी सेठी गोटे छोट जेनेटर लगता है जी सटन आमर स्टार्टिंग आम यूज करतीपर आम डिटेल्स आगे देखा। ला नेक्स्ट स्टेटमेंट अच्छी लार्ज लोड करेन्ट लो स्पीड लैगिंग पावर फैक्टर गिव मोर एक्साइटेशन रिक्वायर्ड जदि आमर लार्ज लोड करेन्ट हम लो स्पीड लैगिंग पावर फैक्टर हम से मोर एक्साइटेशन आमर रिक्वायर्ड हम
अधिक एक्साइटेशन रिक्वायर्ड हम बुझेगा या मन रखिए। देन एक्साइटेशन आमर आम मेथडटा को तीन भाग में विभक्त कर गोटे हूँ टीसी एक्साइटेशन गोटे हूँ एसी एक्साइटेशन आउ तीन नंबर हूँ स्टैटिक एक्साइटेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट आमर कि नी आम को एग्जाम आसब तो आसब आमर कनसेप्ट पूरा क्लीयर हो जाए जानले बुझी से कहे सदापी टेक्स्ट बुक पढ़ का पाने कहली बही कथा मत समस्ते इच एंड एव्री पिला के दुई जन कि तीन जन छाड़ी खाली बेसिक इलेक्ट्रिकल बुक मागि ना टेक्स्ट बुक बा थियोरी बुक कौन सी गोटे पिला भी लिखी ना दुई जन को तीन जन छाड़देला आउ सबू लिखी ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक रे कौन हम ऑब्जेक्टिव बुक रे जो डीसी एक्साइटेशन एसी एक्साइटेशन स्टैटिक एक्साइटेशन आपको दे कि जदि दे मत कमेंट बॉक्स रे करी को ऑब्जेक्टिव बुक रे दे थाई पारे किंतु ह्यूज अमाउंट रो दे नथियो पूरा तुम डाउट क्लियर करिया पई बुझियला। आम डीसी एक्साइटेशन यूज करिवा डीसी एक्साइटेशन ने हमरो जानिवा डीसी फास्ट जानिवा डीसी एक्साइटेशन। डीसी एक्साइटेशन कौन होची हमरो दीटा रहूची गोटे होची मेन एक्साइटर गोटे होची पायलट एक्साइटर बुझौची। हमर जो आर्मेचर रे जो लागुची आर्मेचर शाफ्ट सहित जो लागुची एटी ये आम दुटा लगुच गोटे हूँ मेन एक्साइटर गोटे हूँ पायलट एक्साइटर। पायलट एक्साइटर को कौन कहते मेन एक्साइटर को कौन कहते हमें जानवा ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जेनरेटर प्रोवाइडिंग द फील्ड करंट टू द अल्टरनेटर फील्ड करंट प्रोवाइड कर सेपरेटली एक्साइटेड जेनरेटर। मुझे कह क्वेश्चन आसे डीसी एक्साइटेशन इज नथिंग ह्विच अफ द फलोइंग इज द डीसी एक्साइटेशन आम जब मेन एक्साइटर पायलट एक्साइटर देखो तो भल कथ नहले आमर सेपरेटली एक्साइटेड बुझे आमर मेन मेन एक्साइटर भाव आम यूज करता आम से मार देन पायलट एक्साइटर को जी ए कंपाउंड सेल्फ एक्साइटेड आमर जेनेटर गोटे हूँ पायलट एक्साइटर भी आम कंपाउंड जेनेटर आमको जब आम एमती भी क्वेश्चन आम के दीटा दे नपरेटली एक्साइटेड दे आईदर न कंपाउंड दे सेल्फ एक्साइटेड सो दुटा जाणी था कंपाउंड रूम को भी आम पायलट एक्साइटर भाव आम यूज करती बुझेगा। आमको ऑप्शन के दुटा दे नीटा दे बोथ दे बुझेगा ए कंपाउंड रूम सेल्फ एक्साइटेड जेनेटर प्रोवाइडिंग द फील्ड करंट टू द मेन एक्साइटर। आमर फास्ट पायलट एक्साइटर कौन कर यू आम मेन एक्साइट को करंट प्रोवाइड कर देन मेन एक्साइटर प्रोवाइड करल्टरनेटर रोटर वाइंडिंग बुझे अल्टरनेटर रोटर वाइंडिंग की प्रोवाइड कर बुझेगा। फास्ट आमर पायलट एक्साइटर कौन हो गए कंपाउंड ओंड्स आमर डीसी जेनरेटर जहाँ कि फील्ड वाइंडिंग क्या एक्साइट कर मेन एक्साइटर हूँ गोटे कौन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनरेटर। आम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनरेटर कौन जानते आमर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनरेटर फील्ड वाइंडिंग सेपरेटली आमर थाए फील्ड वाइंडिंग टा सेल्फ एक्साइटेड जेनरेटर आम जब देखा सॉरी आमर एटा जब फील्ड वाइंडिंग रही आर्मेचर रहा देखा जा भलसे यहाँ जब फील्ड वाइंडिंग रहा सेपरेटली एक्साइटेड आम एक्सटर्नाल सोर्स आम कौन करवा आम सोर्स दवा सप्लाई दवा फील्ड वाइंडिंग को ये रहा आर्मेचर यही जो फील्ड वाइंडिंग को जो आसब आम एटा लोड को फुणी जाटा करदे मुझे भलसे सेमती नर्माल कौच यही जो फील्ड वाइंडिंग अच्छी फील्ड वाइंडिंग को आमर कौन कर यहाँ रहा मेन मेन एक्साइटर मेन एक्साइटर रे आमर फील्ड वाइंडिंग जो प्रोवाइड करिवो आमर कंपाउंड वाउंड सेल्फ एक्साइटेड आमर डीसी जेनरेटर आमको को प्रोवाइड करिवो देन ये प्रोवाइड करिवो ताहाकु आर्मेचर को बुझेला। सो आमे जानिले मेन एक्साइटर रो कौन काम रहिला आउ पायलट एक्साइटर रो काम करला बुझेला। एटि किछ कन्फ्यूज होबार नै पायलट एक्साइटर हो जोटे कंपाउंड वाउंड आमर जेनरेटर बेसिकली आमु जेदि पचारिवो एक्साइटर कथा आमको आम सेपरेटली एक्साइटेड दे आमर डीसी जेनरेटर दे थाए
कंपाउंड बहुत कम केस रे आसी थाए गोटे गोटे बुक रे देई कंपाउंड जदि भी देथियो कंपाउंड हम केबे से क्वेश्चन पचारी थबो हमर मेन एक्साइटर को फिर मेन एक्साइटर रो फील करे वाइंडिंग को जेनेटर हम प्रोवाइड करे फील करे ना हम सेठी कंपाउंड रूल मारिबा जदि पायलट एक्साइटर कौन आम गोटे हूँ कंपाउंड रूल आम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनेटर मेन एक्साइटर हूँ सेपरेटली एक्साइटेड आदि किसी कन्फ्यूज हेनी बुझेगा देन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द मेन एक्साइटर इज अराउंड आमर ये जो मेन एक्साइटर को सदाबे काउंट करा हुआ वोल्टेज ये जो रोटर वाइंडिंग की प्रोवाइड कर सो तार वोल्टेज हो 400 वोल्ट तार कैपेसिटी के टोटल अल्टरनेटर कैपेसिटी जिते थी सपोज टोटल अल्टरनेटर कैपेसिटी होची 10 MVA सो तार 0.5% होची आमर कौन आमर होची मेन एक्साइटर कैपेसिटी तार रेटिंगटा अल्टरनेटर जी रेटिंग थी 0.5% तार से रेटिंग हम तार मेन डिसएडवांटेजेस कौन सी हूँ लार्ज टेकिंग लॉन्ग लास्ट टाइम ने जोटा कि अबाउट 3 सेकेंड पर्यटन स्टार्टिंग आम नहीं जाए आमर डीसी एक्साइटेशन मेथड रे अल्टरनेटर स्टार्ट होगापी आप्रोक्स मैंने 3 सेकेंड पर्यटन आमर टाइम नहीं था तार से मेन डिसएडवांटेजेस बुझेगा देन आम देखा कौन एसी एक्साइटेशन कौन आम देखा एसी एक्साइट डीसी एक्साइटेशन एसी एक्साइटेशन आम कनसीस्ट कौन करमर थैरिस्टर रेक्टिफायर ब्रिज कौट कनेक्ट होमर अल्टरनेटर कनेक्ट हो स्टेटमेंट देखा एसी एक्साइटेशन सिस्टम कनसीस्ट अफ एन एसी जेनेटर एंड थैरिस्टर रेक्टिफायर ब्रिज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट अफ द अल्टरनेटर आमर कनेक्ट हो गोटे हूँ एसी जेनेटर आमर थेरिस्टर कारण एसी जेनेटर को आम अल्टरनेटर कि तार रेटिंग किसी आमर एटी कम थी बुझेगा आपको नोट कर नब दे नेक्स्ट अच्छे द रोटेटिंग थेरिस्टर एक्साइटेशन सिस्टम एम्प्लॉयड सेल्फ एक्साइटेड मेन एक्साइटर हुयर एज ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम एम्प्लॉयड ए सेपरेटली एक्साइटेड मेन शाफ्ट आम ये जानवा रोटेटिंग थैरिस्टर एक्साइटेशन सिस्टम कौन हो गोटे सेल्फ एक्साइटेड बा मेन एक्साइटेड तो कहते बुझिपार्च हो आमर ब्रश एक्साइटेशन रे आमर कौन सेपरेटली एक्साइटेशन जाटा कि मेन शाफ्ट लगुच यदि आम दुटा रोचे गोटे हूँ कौन सेल्फ एक्साइटेशन गोटे हूँ थैरिस्टर ब्रश एक्साइटेशन सिस्टम होची आमर मेन आमर सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम ब्रश लेस एक्साइटेशन सिस्टम रे आमर कनसीस्ट कौन कर अल्टरनेटर रेक्टिफायर मेन एक्साइटर ए परमानेंट मैग्नेट जेनेटर जोटा कि कह पायलट एक्साइटर बुझे आर टाइमिंग के 0.1 सेकेंड मुझे क्लीयर करदे भलसे नोट कर आर टाइम कॉन्स्टेंट के लेस देन 0.1 सेकेंड रु भी कम समय रे एसी एक्साइटेशन सिस्टम मध्यम रे आमर कौन हम अल्टरनेटर स्टार्ट हो बुझेना नेक्स्ट देखा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम कौन आम देखा स्टैटिक आम जान लें डीसी एक्साइटेशन सिस्टम मध्यम देन स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम आम जानवा कौन आमर स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम रे कौन टेकन कौन कर आमर अल्टरनेटर थोड़ी सी 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्टेड इंडोर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनसीस्ट कर रेक्टिफायर कनसीस्ट कर बुझे देखा इन दिस टाइप सप्लाई सिस्टम टेकन फ्रॉम अल्टरनेटर इटसेल्फ थ्रो 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्टेड इंडोर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर सिस्टम एम्प्लॉइंग मर्कुरी एक् रेक्टिफायर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SSER बुझेगा जोटा कि आम थेरिस्टर कहते आर टाइमिंग के 20 मिली सेकेंड आर मेन आम जो एक्साइटेशन विषय मुझे यहाँ कहली आमर डीसी एक्साइटेशन सदापाई आमर क्वेश्चन आसो आमर सेपरेटली एक्साइटेशन एक्साइटेड डीसी जेनेटर कि कंपाउंड आमर से मोटर विषय जेनेटर विषय आमको पचार तार टाइमिंग मेन पचारे डीसी केकेंड आउ एसी एक्साइटेशन 0.1 सेकेंड स्टैटिक एक्साइटेशन आउ रकम 20 मिली सेकेंड
बुझेला आपको मुझे क्लीयर करदे हूँ 20 मिली सेकेंड आपको नोट करन बुझेला मु पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम ग्रुप रे। सो पिला माने आउ गोटे क्लास आरो नेक्स्ट क्लास आसीबो आमर 10:30 रु 10:30 भितर मु जणई देबी 10:00 रे आसी जीवो। नेक्स्ट क्लास आमर 10:00 रे स्टार्ट हबो। सो थैंक यू ऑल। आगु को देखिबा आउरी पार्ट्स किछि रही जाइछि तापर आमे देखिबा।